पोकेमोन इन्फिनाइट फ्यूजन एक ऐसा गेम जिसमें कि हम लोग किसी भी दो पोकेमोन को फ्यूज करके एक ऑसम स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बना सकते हैं, एंड वही दूसरी तरफ कोई हद से ज्यादा बेकार फ्यूजन भी। स्टॉप कंप्लेनिंग। तो रिसेंटली इस गेम का एक न्यू अपडेट आ चुका है जिसमें कि इन लोगों ने न्यू फ्यूजन को ऐड किया है। तो अब इस गेम में 1,76,000 से भी ज्यादा पोकेमोन के फ्यूजन है। सो हे बडीज, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज अपन लोग फिर से प्ले करने वाले पोकेमोन इन्फिनाइट फ्यूजन ओनली विद फाइट टाइप फ्यूजन। तो देखना यह है कि हम लोग पोकेमोन इन्फिनाइट फ्यूजन को बीट कर सकते हैं फाइट टाइप फ्यूजन के साथ। तो हम लोग प्ले कर रहे हैं रैंडमाइजर डिबग मोड। सो लेट्स गेट टुवर्ड्स द वीडियो। तो जैसे हमारा गेम स्टार्ट होता है तो हम लोग आ जाते हैं प्रोफेसर ओक के लैब में, एंड यहाँ पे हम लोग हमारा स्टार्टर चूज करने लगते हैं। तो हमें ऑप्शन में मिलता है सबले, एंड उसके बाद हमें मिलता है डीनो, एंड थर्ड ऑप्शन होता है वो हमारा होता है टेलॉन फ्लेम। तो ये वाला हम लोग फायर टाइप पोकेमोन का चैलेंज करने वाले, तो मैं बेसिकली टेलॉन फ्लेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसे एक प्यारा सा निकनेम भी कर देता हूँ। तो मुझे उस टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा होता, इसलिए मैं इसका नाम चीची रख देता हूँ। फिर ब्लू अपना स्टार्टर चूज करने के लिए आगे आता है, लेकिन प्रोफेसर जी मेरे साथ चीटिंग करके ब्लू को दोनों पोकेमोन को फ्यूज करके दे देते हैं। फिर ब्लू हमें बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, वो बेसिकली वाला बैटल हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। शायद से ये वाला बैटल हम लोग हार सकते हैं, एंड जैसे कि मैंने सोचा था ये वाला बैटल काफी ज्यादा हार्ड ही होता है मेरे ख्याल से, और इस वाले बैटल में ब्लू हमारी ऐसी की तैसी लगा जाता है। ब्लू यहाँ से निकल जाता है एंड उसके बाद हम भी यहाँ से निकल ही लेते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ पोकेमार्ट पे, जहाँ से कि हमें प्रोफेसर ओक का पार्सल लेना होता है। तो मैं यहाँ से फटाफट से उनसे पार्सल ले जाओ, एंड मैं चला जाता हूँ प्रोफेसर ओक के यहाँ पे। जैसे मैं प्रोफेसर ओक को पार्सल देता हूँ तो उसके बदले वो मुझे कुछ पोकी बॉल्स और डीएनए स्पाइसर भी दे देते और पोकेडेक्स भी। तो यहाँ से हम लोग आगे निकल पड़ते हमारी जर्नी की ओर, लेकिन उससे पहले मैं फ्यूज करता हूँ टेलॉन फ्लेम को हाउंडूम के साथ, जिससे कि हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पोकेमोन मिलता है जिसका नाम होता है टेलॉन डूम, जो कि डार्क एंड फायर टाइप होता है, जो कि हमारी जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। फिर मैं आ जाता हूँ रूट 22 पे, जहाँ की मुझे ब्लू देखता है एंड वो फिर से मुझे बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो इस बार ऑब्वियस सी बात है मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास खुद का एक फ्यूज पोकेमोन है टेलॉन डूम, जो कि इसके पोकेमोन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड इसका जो स्टार्टर होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है टेलॉन डूम के आगे, इसलिए ये वाला बैटल हम लोग काफी इजीली वॉन कर जाता है। एंड यहाँ से फिर ब्लू भाग जाता है हमें डीएनए स्पाइसर दे के। उसके बाद मैं आ जाता हूँ प्यूटर सिटी में ब्रॉक को जिम बैटल के लिए चैलेंज करने। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना टेलॉन डूम, एंड उसके पास होता है जीओजी, जो कि काफी ज्यादा वीक होता है, वन हिट में ही फेंट हो जाता है। फिर हमारा टेलॉन डूम बाइट मूव सीखता है, तो मैं उसे टीच कर देता हूँ एंड फेल को मैं कैंसिल करता हूँ। बाद में आता है उसका लास्ट पोकेमोन डिगनेक्स, जिसे कि दो हिट में हमारा टेलॉन डूम फेंट कर देता है। यहाँ पे हम लोग हमारा फर्स्ट जिम बैच जीत चुके हैं। फिर मैं एक और न्यू मेंबर ऐड करने की सोचता हूँ, तो मैकार्गो एंड एग्रॉन को फ्यूज करता हूँ, जिससे कि हमें मिलता है मैग्रॉन, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है। फिर मैं आ जाता हूँ एम्प्टी मून पे और देखता हूँ यहाँ पे टीम रॉकेट अपने ट्रिपल पोकेमोन फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, लेकिन वो अचानक से मुझ पे अटैक कर देते, तो मैं उनके पोकेमोन को फेंट कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ तो एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो जाती है, तो टीम रॉकेट यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सर्विलेंस सिटी में, यहाँ पे मुझे ब्लू मिलता है एंड फिर से मुझे बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो इस बार भी एज ऑलवेज मैं इसे आराम से डिफीट कर देता हूँ। इसके पास काफी ज्यादा न्यू पोकेमोन भी थे, लेकिन हमारे पास भी हमारा मैग्रॉन भी था, जो कि इसके स्टार्टअप पोकेमोन को इजीली फेंट कर देता है। एंड लास्ट में आता है उसका एब्रा, जिसको हम इजीली फेंड करके इसके बाद हमारी बैटल मिस्सी से होने वाली थी, तो मुझे उसके अगेंस्ट एडवांटेज चाहिए था, तो मैं चेरिजार्ड और लक्सरे को फ्यूज करता हूँ, जिससे कि हमें चार ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन मिल जाता है। देन मैं आ जाता हूँ बिली के हाउस में, तो यहाँ पे देखता हूँ बिली राइडॉन के साथ खुद को फ्यूज कर लेता है एंड वो हमसे हेल्प मांगता है कि हमें उससे अनफ्यूज करना है। तो हम लोग बेसिकली हाँ कर देते, तो हम लोग इसके लैपटॉप से इसे अनफ्यूज कर देता है एंड उसके बाद वो हमें एक्सचेंज में एसएस टिकट दे देता है एंड फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। फिर मैं वापस से आता हूँ सेरेलियन सिटी में एंड चैलेंज करता हूँ मिस्टी को। तो हम लोग बेसिकली हमारे चारे एंड टेलॉन डूम को सिलेक्ट करते हैं बैटल के लिए एंड कंफर्म कर देते हैं। तो मिस्टी का पहला पोकेमोन होता है जिग्लेडेन, जो कि काफ़ी क्यूट होता है एंड एक थंडर फैंग में चारे से निपट जाता है। बाद में आता है उसका ऑडियू, जो कि काफी इजीली एक फ्लेम थ्रोअर में फेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग हमारा सेकेंड जिम बैच जीत चुके हैं एंड उसी के साथ हमें 2,200 पोके डॉलर भी मिल चुका है।
मिस्टी को इजीली डिफीट करने के बाद हम आ जाते हैं वर्मिलियन सिटी के यहाँ की शिप पे, एंड यहाँ पे वापस से ब्लू मुझे चैलेंज करता है। तो ब्लू को मैं इस बार भी काफी इजीली फेंड करता हूँ, क्योंकि इस बार हमारे पास होता है चेरे, जो कि इसके हर एक पोकेमोन के अगेंस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, एंड ये वाला बैटल भी हम लोग काफी इजीली वॉन कर जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं कैप्टन के केबिन में, एंड उनसे हमें मिलता है HM01 जो कि होता है कट, एंड उसके बाद हम लोग इस शिप से बाहर निकल जाता है। के बाद में आ जाता हूँ वर्मिलियन सिटी के जिम में एंड चैलेंज करता हूँ सर्च को। तो उसके अगेंस्ट मैं हमारे सारे तीनों पोकेमोन को सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले वो यूज करता है वर्ल्ड बैज, जिसे कि हमारा चारे इजीली फेंड कर देता है एक दो हिट्स में, एंड उसके बाद उसका सेकेंड पोकेमोन आता है पिकालेट, जिसको भी हमारा चारे फेंड करता है इजीली। लास्ट में आता है उसका राइबस, जिसे कि हमारा चेरी दो हिट में फेंट करता है, एंड यहाँ पे हम लोग हमारा थर्ड बैच भी इजीली वॉन कर जाता है। फिर मैं आ जाता हूँ लेवेंडर टाउन के गोस्ट टावर पे, जहाँ कि मुझे ब्लू मिलता है, नहीं फिर से मुझे बैटल के लिए चैलेंज करता है, एंड ये वाला बैटल भी हम लोग काफी इजीली वॉन करते हैं। उसके बाद ब्लू और मैं आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लू कहता है कि हमें सेल्फ स्कोप लगेगा आगे जाने के लिए, तो मैं यहाँ से सेलेडॉन सिटी के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं सेलेडॉन सिटी पहुंचता हूँ, तो देखता हूँ ब्लू टीम रॉकेट के बंदों के साथ बैटल कर रहा होता है, और उसके बाद टीम रॉकेट के बंदे यहाँ से भाग जाते हैं। अचानक से एरिका आ जाती है, एरिका हमसे हेल्प मांगती है टीम रॉकेट के अगेंस्ट, तो हम उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देते। फिर उसके साथ हम लोग इस ड्रेनेज के अंदर आ जाते हैं, फिर हम उनके बॉस का मेन केबिन ढूंढने लग जाते हैं। फिर ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली हमें जेओनी मिल जाता है, एंड जेओनी मुझे बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो उसका सबसे पहला पोकेमोन होता है आर्नेक्स, जिसे कि हमारा चेरी आराम से फ्लेम थ्रोर में फेंट कर देता है। बाद में उसका सेकंड पोकेमोन आता है राइरस, जिसे भी हमारा चेरी फ्लेम थ्रोर में फेंट कर देता है। बाद में आता है उसका होंगखान, जो कि हमारे चेरी को फेंट करता है, लेकिन हमारा टेलोन डूम उसे इजीली फेंट करता है, और हम लोग जेओनी से ये वाला बैटल जीत जाते हैं। बाद में एरिका यहाँ से चली जाते हैं, एंड हमें मिलता है सेल्फ स्कोप, एंड सेल्फ स्कोप लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। एंड मैं आ जाता हूँ सेलेडॉन सिटी के जिम में एरिका को जिम बैटल के लिए चैलेंज करने के लिए। तो मैं फिक्स करता हूँ हमारे चेरी एंड टेलोन डूम एंड मैग्रॉन को। तो एरिका सबसे पहले अपना पोकेमोन यूज कर एक्सुडो, जिससे कि हम लोग वन हिट किल करते हैं। बाद में आता है तनापे, उसे भी हम लोग वन हिट करते हैं। लास्ट में वाइल्ड बिल को भी वन हिट। ये वाला बैच काफी इजीली हम लोग वॉन करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे फायर टाइप पोकेमोन होते हैं, एंड यहाँ पे हमें मिल चुका है हमारा फोर्थ बैच। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना न्यू टीम मेंबर को ऐड किया जाए, तो मैं बिशार्प एंड ब्लेजिकन को फ्यूज करता हूँ, जिससे हमें मिलता है ब्लेजार्प। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एक यूनिक टाइप वाला पोकेमोन होता है फायर एंड स्टील, जो कि हमारे काफी काम आएगा। देन वापस से मैं गोस्ट टावर आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे एक स्पिरिट मिलती है, जिसके पास होता है गेनवैक, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे चारे को फेंट करता है। तो मैं यूज करता हूँ ब्लेजार्प एंड इसे हरा देता हूँ। फिर मैं स्टेयर से ऊपर के फ्लोर पे आ जाता हूँ, एंड ये ओल्ड मैन मुझे पोके फ्लूड देते है। पोके फ्लूड मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं सैफ्रॉन सिटी के बड़े वाले टावर पे आता हूँ, जहाँ की टीम रॉकेट ने कब्जा कर रखा होता है। तो यहाँ पे ब्लू आ जाता है, एंड ब्लू मुझे फिर से बैटल के लिए चैलेंज कर, एंड इस बार उसके पोके लास्ट टाइम से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इस बार थोड़ा सा हार्ड पड़ता है इसे डिफीट करना, लेकिन एट द एंड ऑफ डे मैं इसे आराम से डिफीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद वो मेरे पोकेमोन्स को हील करता है, एंड हम दोनों चल पड़ते हैं जियोवानी को बैटल चैलेंज करने के लिए। तो जियोवानी सबसे पहले यूज करता है प्राइमेरियो एंड राइरस, जो कि काफी स्ट्रांग होता है, जिसने हमारे चारे को फेंट कर दिया होता है। एंड बाद में हम लोग यूज करता अपना टेलोन डूम, जो कि वापस से फेंट हो जाता है, एंड मैं यूज करता हूँ अपना मैग्रॉन एंड रिवाइव करता हूँ चारे को। इस बार चारे फेंट करता हूँ राइरस को, एंड प्राइमेरिनो काफी कम एचपी में बच जाता है। तो हम लोग यूज करते हैं फुल रिस्टोर, एंड वापस एक बार फुल रिस्टोर करते हैं उसके पोकेमोन को फेंट करते हैं। एंड लास्ट में आता है उसका सैंड क्वीन, जिसे कि हम लोग ट्राई करते फटाफट हराने का, और हरा देते हम लोग जियोवानी को। एंड उसके बाद यहाँ से ब्लू निकल जाता है, एंड उसके बाद मैं भी यहाँ से फटाफट से निकल जाता। देन मैं आ जाता हूँ सैफ्रॉन सिटी के जिम में सबरीना को जिम बैटल चैलेंज करने के लिए। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ चेरे, एंड यूज करता हूँ ब्लेजिशार्प एंड टेलोन डूम एंड हमारा मैक्रॉन। तो सबसे पहले वो यूज करते हिप्नोमाइन, जिसे कि हमारा चेरे इजिली फेंट करता है। बाद में आता है उसका ऑलब्रो, जिसे कि हम लोग इजीली फेंड करते हैं। बाद में आता है उसका एसरॉन, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा चेरी उसे फेंड कर देता है। एंड लास्ट उसका आता है गैंगजैम, जो कि काफी इजीली फेंड हो जाता है चेरी से। तो यहाँ पे हम लोग हमारा फिफ्थ बैच वॉन कर चुके हैं। उसके बाद मैं फ्यूशिया सिटी जा रहा होता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बीच में स्नोरलैक्स मिलता है, एंड जिसे कि ये बच्चा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। तो मेरे पास होती ओके फ्लूट, जिससे मैं इसे उठा देता हूँ, एंड वो होता है स्टैंडलर, जिसे कि मैं इजीली फेंड करता हूँ, एंड मैं अपने रूट पे आगे निकल पड़ता हूँ। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ फ्यूचर सिटी, एंड मैं चैलेंज करता हूँ
कोगा को जिम बैटल के लिए। तो मैं सारे के सारे पोकेमोन को सिलेक्ट करता हूँ, तो कोगा यूज करता है वेनोमर, जिससे कि हमारा चैरी एक हिट में फेंट करता है। बाद में आता है उसका मैग्नीफिंग, जिसे भी वन हिट में किल कर देता है। उसके बाद आता है उसका बीथर, जिससे भी हम लोग वन हिट में किल करते हैं। आता है उसका चैनियक, जिसे काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होता है उसे फेंट करने के लिए, लेकिन हम इजीली फेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग वन कर चुके हैं हमारा सिक्स बैग। देन मैं एक और न्यू टीम मेंबर ऐड करता हूँ, जिसके लिए मैं टाइफ्लोजन एंड पालकियो को फ्यूज करता हूँ, जिससे हमें मिलता है पालफ्लोशन, जो कि एक वाटर एंड फायर टाइप पोकेमोन होता है। फिर मैं आ जाता हूँ सेनेबार आइलैंड के जिम पे एंड चैलेंज करता हूँ ब्लेन को जिम बैटल के लिए। तो इसमें हम लोग हमारा न्यू पोकेमोन पालफ्लोशन को ऐड करते हैं। सबसे पहले ब्लेन यूज करता है ग्लो डैश, जिसे कि हम लोग वन हिट में किल करते हैं। एंड हमारा पालफ्लोशन न्यू मूव सीख रहा होता है, जिसे कि हम लोग कैंसिल करते हैं। एंड उसके बाद उसका सेकंड पोकेमोन आ जाता है, जिसका नाम होता है मैकडॉन, जिसको भी हम एक सर्फ में फेंट करते हैं। एंड बाद में उसका आता है चेरिडेक्टल, जिसे कि हम लोग वन हिट में किल करते हैं। बाद में आता है 99, उससे भी हम वन हिट में किल करते हैं। और यहाँ पे हम लोग हमारा 7 जिम बैच जीत चुके हैं। जैसे मैं जिम से बाहर आता हूँ, तो मुझे दिखता है कि एक बंदे को टीम रॉकेट के मेंबर ने घेर लिया है। तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। तो मैं इस बंदे से पूछता हूँ वो लोग कहाँ गए। ये बंदा बताता है कि वो लोग एम्प्टी एम्बर जा चुके हैं। तो मैं यहाँ से एम्प्टी एम्बर के लिए निकल पड़ता हूँ। जैसे मैं एम्प्टी एम्बर पहुंचता हूँ, तो मैं देखता हूँ टीम रॉकेट ने तीनों लेजेंडरी बर्ड को ट्रैप कर रखा है। तभी उनको मैं बचाने के लिए जा रहा होता हूँ, लेकिन टीम रॉकेट उन तीनों को फ्यूज करती है। बाद में जियो वनी मुझे बैटल के लिए चैलेंज करता है एंड यूज करता है जैब मॉलकोनो ए, जैब मॉलकोनो एम एंड जैब मॉलकोनो से। जैब मॉलकोनो ए को हमारा चेहरे फेंट करता है, लेकिन हमारा चेहरे भी फेंट हो जाता है। बाद में मैं यूज करता हूँ अपना पालफ्लोशन, जिससे कि मैं कोशिश करता हूँ जैब मॉलकोनो एम को फेंट करने की, जिससे कि इजीली वो फेंट करता है। लेकिन लास्ट में बचता है जैब मॉलकोनो जेड, जिसे कि हमारा ब्लेस चार फेंट कर देता है। एंड उसके बाद तीनों लेजेंडरी बर्ड्स फ्री हो जाता है एंड जियो वनी एंड उसके मेंबर यहाँ से निकल जाता है। एंड जिसे मैं मॉल्ट्रिस को देखता हूँ, तो उसको कैच करने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन वो निकलता है क्रॉयस्टर। आखिर हम लोग रैंडमाइजरी तो प्ले कर रहे हैं। एंड मैं जिसे यहाँ से बाहर निकलता हूँ ब्लू, एंड ये एक बंदा मिलता है, जो कि मुझे सिनेबार तक फ्री में लिफ्ट दे देता है। उसके बाद मैं हमारी टीम का लास्ट टीम मेंबर ऐड करता हूँ, जिसके लिए मैं फ्यूज करता हूँ डिओक्सिस एंड मैग्मोटर को, जिससे कि हमें मिलता है हमारा डिओमोटर। उसके बाद मैं आ जाता हूँ वेरिडियन सिटी जियोवानी को जिम बैटल चैलेंज करने के लिए। तो हम लोग हमारे 5 पोकेमोन को सिलेक्ट करते हैं, पालफ्लोशन, चारे, डिओमोटर, ब्लेस शार्प एंड टेलोंडून। तो जियोवानी सबसे पहले यूज करता है उसका रेरस, जिसे कि हम लोग पालफ्लोशन से फेंट करते हैं। बाद में आता है उसका ग्लाइक स्टार, जिसे भी हम लोग सर्फ से फेंट करते हैं। उसका इलेक्ट्रियो, जिसे भी हम सर्फ से फेंट करते हैं। उसका गॉचैम, जिसे भी हम लोग सर्फ से फेंट करते हैं। लास्ट आता है उसका रेलैक्स, जिसे हम लोग वन हिट कर लेते हैं। 8 बैच हम काफी इजीली वन कर जाते हैं पालफ्लोशन के कारण। एंड हमारे पास अब 8 बैचेस हो चुके हैं, तो हम लोग चल पड़ते हैं हमारे पोकेमोन लीग की ओर। मैं विक्ट्री रोड की ओर जा रहा होता हूँ, लेकिन ब्लू मुझे फिर से चैलेंज कर देता है। एंड इस बार हम लोग उससे फिर से बैटल करते हैं, तो वो निजोटो यूज करता है, जिसे हम लोग इजीली फेंट करते हैं। बाद में आता है उसका इलेक्ट्राडस, जिसे कि हमारा पालफ्लोशन फेंट कर देता है। एंड बाद में हम लोग स्विच करते हैं हमारे चेहरे से, एंड वो यूज करता है उसका टॉकट को हम लोग फ्लेम थ्रोअर से फेंट करते हैं एंड बाइट से भी। तो बाद में आता है उसका हे ये, तो इसे भी हम लोग फ्लेम थ्रोअर से फेंट करते हैं। एंड उसके बाद आता है उसका स्टेरिक एग्जाम, जिसे हम लोग इजीली बाइट से फेंट करते हैं। बाद में आता है उसका मैगहॉर्न, जिसे हम लोग ट्राई करते हैं हराने की ड्रैगन क्लॉ से, और वो फेंट हो जाता है। एंड ये वाली बैटल भी हम लोग जीत जाते हैं एंड निकल पड़ते हैं हमारे लीग के रोड की ओर। देन हम लोग पहुंच जाते हैं पोकेमोन लीग के यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपने पोकेमोन्स को हील करता हूँ, फिर हम लोग निकल पड़ते हैं एलीट 4 को चैलेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी बैटल होती है लॉरलाई, जो कि आइस स्टेप मास्टर है। तो सबसे पहले वो यूज करते हैं मैग्मारोगन, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हमारा चेहरे उसे फेंट कर देता है। बाद में आता है उसका वायरस, जिसे कि हम लोग एक ही फ्लेम थ्रोअर में फेंट करते हैं। बाद में आता है उसका टेक्टाइस्टर, जिसे भी हमारा चेहरे फेंट कर देता है। एंड देन उसका आता है मैमो ब्रो, जिसे भी हम लोग वन हिट फेंट करते हैं। बाद में आता है उसका जेंग्रोथ, जिसे भी हम लोग वन हिट फेंट करते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग हमारा फर्स्ट एलीट 4 बैटल जीत जाता है। देन हम लोग आ जाते हैं सेकेंड एलीट रूम में, जहाँ पे कि हमारा सेकेंड एलीट चैलेंजर होता है ब्रूनो। तो सबसे पहले मैं पोकेमोन को स्विच करता हूँ एंड देन ब्रूनो के साथ बैटल शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले वो यूज करता है मैवायर, जैसे कि हमारा पालफ्लोशन फेंट करने की कोशिश करता है एंड फेंट भी कर देता है। देन उसका पोकेमोन आता है मैरोचैन, जिसे कि हम लोग वन हिट किल करता है।
बाद में उसका आता है स्टील चैम्प, तो हम लोग यूज करते हैं फ्लेम थ्रोअर एंड वो फेंट हो जाता है। बाद में आता है सीजो क्रॉस, जिसको भी हम लोग इजीली फेंट करते हैं। बाद में आता है उसका मैग्नीनेक्स, जो कि हम हमारे चेरी से फेंट कराते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग हमारा सेकेंड एलिट फोर बैटल भी इजीली पॉन कर जाता है। देन हम लोग आ जाते हैं थर्ड एलिट रूम में, एलिट फोर की थर्ड मेंबर एगाथा से बैटल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने चेरी को स्विच कर लेता हूँ एंड सबसे पहले वो यूज करते हैं मिस बैट, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं लेकिन हमारा चेरी इजीली फेंट कर देता है। एंड हमारा चेरी हीट वेव सीख रहा होता है तो मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। एंड देन वो यूज करते हैं एम्टर, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन हम लोग थंडर फैंग से उसे फेंट कर देते हैं। बाद में आता है उसका स्नोरगार, जो कि हमारे चेरी को फेंट कर देता है। देन हम लोग यूज करते हैं टेलांडूम एंड टेलांडूम उसे फेंट करता है। बाद में आता है उसको वॉबगार एंड हमारे टेलांडूम फेंट हो जाता है, तो मैं यूज करता हूँ हमारे पल्स लोशन को, जो कि वॉबगार को एक आराम से फेंट कर देता है। लास्ट में उसका आता है गेंगडूम, जिसे कि हमारा पी शार्प एकदम इजीली फेंट कर देता है। और यहाँ पे हम लोग हमारा थर्ड एलिट फोर बैटल एकदम इजीली फोन कर जाता है। फिर मैं आ जाता हूँ एलिट फोर के फोर्थ रूम में, जहाँ पे कि एलिट फोर का मेंबर लैंस होता है, जो कि एक ड्रैगन टाइप मास्टर है। तो सबसे पहले वो यूज करता है ड्रैगोडोस, जो कि हमारे चेरे के वन हिट में मर जाता है। बाद में आता है उसका टोगे नाइट, जो कि हमारा चेरे थंडर फैंग में ही फेंट करता है। बाद में आता है उसका टेराडैक्टल, जो कि हमारे चेरे को फेंट करता है। तो हम लोग यूज करते हैं हमारा ब्लेस चार्प, जो कि आराम से फेंट कर देता है। बाद में आता है उसका टाइपनेयर, जिसे कि हम हमारे पल्स लोशन से इजीली फेंट कर देते हैं। बाद में आता है उसका पोरेड्रा, जिसे भी हमारा पल्स लोशन आराम से फेंट कर देता है। और यहाँ पे हम लोग हमारे एलिट फोर का फोर्थ बैटल भी इजीली वॉन कर देता है। देन हम लोग चलते हैं चैंपियन रूम की ओर, तो देखते हैं यहाँ पे ब्लू चैंपियन बना बैठा है। तो हम लोग ब्लू को बैटल के लिए चैलेंज करते हैं एंड ये वाला बैटल काफी ज्यादा कवासर होने वाला है। तो ब्लू सबसे पहले यूज करता है नेडोजॉट को, जो कि हमारे चेहरे की लगभग सारी एचपी खा चुका होता है एंड लिटरली हमारा चेरी 16 एचपी में बचा होता है। तो इस बार मैं स्विच करता हूँ और यूज करता हूँ पल्स लोशन को एंड यूज करता हूँ फुल रिस्टोर हमारे चेहरे पे। एंड देन मैं यूज करता हूँ सॉफ्ट मूव, जिससे कि इसका कराई मोर्टर फेंट हो जाता है। बाद में आता है उसका इलेक्ट्रिक डोज, तो स्विच करता हूँ हमारे मैक्रॉन से, जो कि काफी बैड डिसीजन होता है। एंड वापस से मैं जब डियो मोर्टल यूज करता हूँ तो वो भी लगभग फेंट हो जाता है। देन मैं वापस यूज करता हूँ हमारे चेहरे को एंड यूज करता हूँ स्क्रंच अटैक। तो उसके बाद आता है उसका स्टार का जैम, जिसे भी हमारे चेहरे एक ही मूव में फेंट कर देता है। बाद में आता है उसका टाउटर, जिसे कि चारे फ्लेम थ्रोअर में फेंट करता है। बाद में आता है उसका हे ये, जिससे कि हम लोग कोशिश करते हैं ड्रैगन क्लॉ से फेंट करने की लेकिन वो फेंट हो ही ना होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं हाइपर पोशन एंड देन यूज करते हैं हम लोग क्रंच मूव। लेकिन इस बार भी वो बच जा रहा था, तो मैं वापस यूज करता हूँ हाइपर पोशन चारे पे एंड देन यूज करता हूँ फ्लेम थ्रोअर एंड यहाँ पे उसका फाइनल पोकेमोन फेंट हो जाता है। एंड इसी के साथ हम लोग बन जाते हैं कैंटो रीजन के ऑफिशियल पोकेमोन चैंपियन एंड फायर टाइप मास्टर भी। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड आपको इस तरह के कंटेंट पसंद है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।